नमस्कार, एचएम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आज मैं आपके लिए लाया हूं एवरेज औसत का पार्ट 3। देखिए दोस्तों, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एवरेज के जितने भी टाइप्स आते हैं, एवरेज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे हैं। पहली वीडियो से आप देखना अगर शुरू कर रहे हैं, आप पहली वीडियो से देख रहे हैं हमारी क्लासेस को, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को लिया है और उनको सॉल्व किया है, आपको सिखाया है कि कैसे कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन में प्रैक्टिस आप जितना करेंगे, देखिए मैथ है ये और मैथ में प्रैक्टिस चाहिए, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर बिगनर हैं, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को अभी शुरू किया है, तो आपको बेसिक रूल से चलना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। देखिए, जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा किसी भी चीज का, किसी भी क्वेश्चन का, तब तक आप उसको कितना भी ट्रिक याद कर लीजिए, कितना भी ट्रिक का रट्टा मार लीजिए, आपका वो सारा धरा का धरा रह जाएगा, कुछ फायदा नहीं देगा। लेकिन जब आपको एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका बेसिक रूल क्लियर हो जाएगा, आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, अपनी स्पीड बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तब फिर यकीन मानिए कि सार ट्रिक तो आप खुद ही बनाने लगेंगे, सारे क्वेश्चन की सार ट्रिक आप बना लेंगे। तो चलिए, इतनी बहुत सारी बातें कर ली हम लोगों ने, आज ये कुछ क्वेश्चन है जिनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करना सिखाएंगे यहाँ पर। लेकिन किसी ट्रिक का यहाँ पर यूज नहीं करने वाले हैं, बेसिक रूल से चलेंगे, लेकिन बेसिक रूल में कैसे स्टेप को स्किप करके जल्दी कर सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि एक कक्षा के 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु ज्ञात करें। देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए बच्चों की संख्या दे दी गई है और औसत आयु दे दी गई है, आप इसमें क्या करेंगे मेरे दोस्तों, इसमें आप इनका आयु का योग निकाल लेंगे, इनकी टोटल आयु कितनी होगी वो निकाल लेंगे। तो देखिए, योग निकालने के लिए जैसे मैंने पिछली भी क्लासों में बताया है, इसमें भी बताया है, औसत में एक ही फार्मूला है, उसी फार्मूले पर पूरा औसत चैप्टर बेस्ड है आपका, उस फार्मूले को क्या कहते हैं, देखिए औसत, औसत बराबर क्या होता है यहां पर, योग। यहां पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज का औसत निकालना हो तो उसमें जितनी चीजें दी गई हैं, या मान लीजिए 5-6 संख्या आपको दी गई है, तो उन 5-6 संख्याओं का औसत निकालना है, तो उन संख्याओं का योग बटे उन संख्याओं की संख्या, उन संख्याओं की संख्या। अब जैसे यहाँ पर बच्चे और औसत आयु दी गई है, तो आपको क्या क्या दे दिया गया है, देखिए औसत दे दिया गया है, औसत आयु जो है वो 15 वर्ष, औसत दे दिया गया है, ये दे दिया गया है, और योग आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, योग निकाल लेना है, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और संख्या देखिए 80 बच्चे हैं, मतलब संख्या यहाँ पर देखिए 80 दे दी गई है, तो योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 15 और 80 का गुणा कर देंगे, योग निकल आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब एक ही फार्मूला है और यही आपको बार बार यूज करना है, तो आपको फार्मूला बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, आप डायरेक्ट करेंगे और स्किप करेंगे जो बीच में स्टेप आते हैं, जैसे फार्मूला लिखना है नहीं लिखेंगे, इसको स्किप कर देंगे, डायरेक्ट कर लेंगे, तो आसान हो जाएगा ना, जल्दी हो जाएगा। तो चलिए इसी मेथड से इसको करते हैं। अब देखिए 80 बच्चे हैं, इनकी उम्र का अगर योग निकालें तो कितना निकलेगा, 15 × 8 = 120 यानी 1200 निकलेगा इनका योग। और फिर देखिए यहाँ पर 15 बच्चों के, इन 80 बच्चों में से जो 15 बच्चे हैं उनके एक समूह की औसत आयु कितनी दी गई है, 16 वर्ष दी गई है, तो आप 16 और 15 को गुणा करके इन 15 बच्चों की आयु का योग निकाल लेंगे, वो कितना आएगा, देखिए 16 × 5 = 15 यानी 8 × 24 = 240 आएगा,
इनका कितना आएगा 240 आएगा। और ये फिर दूसरा ग्रुप है 25 बच्चों का, इनकी औसत आयु दी गई है 14। अब इनका कितना आएगा देखिए, 14 पंचे 70 और 7 पना 35, कितना आएगा 350 आएगा। अब देखिए मैं इनका गुणा कैसे कर रहा हूँ ये मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे ये 25 लिखा है और ये 14 लिखा है, तो एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे कर सकते हैं, 14 पंचे 70, 7 हासिल आएगा इसका, और फिर 14 दूनी 28, 28 और 7 35, ऐसे कर सकते हैं। और एक तरीका जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वो क्या है, इसको हम 5-5 के भाग में तोड़ लेंगे, इस 25 को 5-5 के, क्योंकि 14 पंचे 70 और हमें पता है कि 70 यानी 7 आसान होता है 70 से गुणा करना, तो 7 हो जाएगा 70 हो जाएगा 14 पंचे 70 और फिर 7 करना 35, हम ऐसे कर ले रहे हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं। कुल मिला के आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है, जिसकी आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है। जब आप कैलकुलेशन फास्ट करेंगे और स्किप करेंगे बीच वाली चीजों को, तभी आपका बिल्कुल शॉर्ट में आ जाएगा आंसर। अब देखिए 25 बच्चे, 15 बच्चे यहाँ पर थे और 25 बच्चे यहाँ पर थे, इन बच्चों ये बच्चे कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। इन बच्चों की टोटल जो उम्र होगी उनका योग कितना होगा देखिए, 9 0 5 590 होगा इन 40 बच्चों का, और बच्चे कितने थे 80 बच्चे थे, तो शेष जो बच्चे बचे होंगे वो कितने बचे होंगे 40 बच्चे शेष बचे होंगे, 40 बच्चे शेष बच रहे हैं। और देखिए उम्र, अब जो यहाँ पर इनकी उम्र रही होगी, ये 80 बच्चों की टोटल आयु का योग है, ये 40 बच्चों की टोटल आयु का योग है, तो जो शेष 40 बच्चे बच रहे हैं उन 40 बच्चों की उम्र का योग कितना रहा होगा, इसमें 590 माइनस कर देंगे, देखिए कितना आएगा 0 1 और 6, कितना है 610 आया। इन 40 बच्चों की उम्र का योग 610 है, तो देखिए औसत कैसे निकलेगा, इन जो यहाँ पर योग आया है बटे में संख्या कितनी है 40, ये कितना निकल कर आ जाएगा, ये औसत, औसत निकल कर ये आ जाएगा। काट देंगे इसको, 4 1 4, 4 5 20 और 4 2 8, 4 5 20 कितना आएगा 15.25 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 15.25। तो समझ में आ गया ना कि आपको कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना है, आपको बीच के स्टेप स्किप कर देने हैं, और जिससे आपका क्या होगा जल्दी आ जाएगा, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन आपका हो चुका है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक द्वारा बदल दिया गया है। तो पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है, देखिए यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं तो देखिए क्या दिया गया है कि 10 सदस्य हैं किसी समिति में और 2 वर्ष के बाद, अब जो 10 सदस्य हैं 2 वर्ष के बाद सबकी उम्र 2-2 साल बढ़ जाएगी, सबकी उम्र 2-2 साल बढ़ जाएगी, तो कितनी बढ़कर बढ़ेगी, कितनी 10 हैं सबकी 2-2 बढ़ेगी तो 20 साल बढ़ जाएगी टोटल, और अगर उनका योग निकाला जाएगा सबकी उम्रों का तो जितना आज होगा 2 साल बाद उन 10 लोगों का योग कितना हो जाएगा 20 बढ़ जाएगा सबकी 2-2 बढ़ करके। और फिर देखिए क्या कह रहा है कि लेकिन उनका जो औसत है वो नहीं बढ़ रहा है, जितना था उतना ही है, उनका जो उम्रों का योग था वो जितना था पहले 2 साल उतना ही आज भी है 2 साल के बाद भी है। और किया क्या गया कि एक पुराना सदस्य था जो अधिक आयु का था, उसके बदले पर क्या ले आया गया, एक नवयुवक ले आया गया जो उससे कम उम्र का रहा हो, उसको ले आया गया, तो उसकी तुलना में सदस्य पूछ रहा है कितना छोटा था। अब देखिए जब 20 साल बढ़नी थी और 20 साल नहीं बढ़ रही है उतनी है, मतलब वो कितना छोटा रहा होगा, 20 साल ही छोटा रहा होगा। बस आपने क्वेश्चन को समझा और आपको आंसर आ गया, आपको देखिए इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लीजिए और आपका आंसर आपके सामने है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गए हैं, अब अगले क्वेश्चन की देखिए बात कर लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु, देखिए आपको समझ में आ रहे हैं ना सारे क्वेश्चन, अगर समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं
और कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके अपने सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई कमी लग रही हो या कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। देखिए, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, उनकी उम्रों का योग निकालना है। अब देखिए, 40 विद्यार्थी है, संख्या दी गई है 40 विद्यार्थी, और औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। तो अगर इनका योग निकालेंगे तो कितना होगा, 15 चौको 60, यानी 600। देखिए, आपको फार्मूला नहीं लिखना पड़ा, ऐसे ही आ गया है, 15 चौको 60, 600 इनका योग होगा। इन विद्यार्थी 40 विद्यार्थियों की उम्र का योग कितना होगा, 600 होगा। अब 10 नए विद्यार्थी इसमें और शामिल हो रहे हैं, इनका ये जो 40 का ग्रुप था इसमें 10 विद्यार्थी और आके जुड़ गए, तो अब विद्यार्थी कितने हो गए, देखिए 50 हो गए, पहले 40 थे, अब 10 इसमें और जुड़ गए हैं, तो कितने विद्यार्थी हो गए हैं, 50 विद्यार्थी हो गए हैं। और कह रहा है औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अभी तक देखिए दोस्त, इनकी औसत आयु कितनी थी, 15 वर्ष थी, अभी तक कितनी थी, 15 वर्ष थी, अब कितनी हो गई है, 15.2 वर्ष हो गई है, इसमें 2.2 वर्ष की वृद्धि हो गई है। अब इनकी औसत आयु कितनी हो गई, 15.2 वर्ष हो गई है। तो पूछ रहा है कि जो नए विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु कितनी है, जो नए विद्यार्थी अब 10 आएंगे उनकी उम्र क्या होगी, औसत उम्र क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले अब जो ये 50 विद्यार्थी हो गए हैं, अभी तक यहाँ पर कितने थे, 40 विद्यार्थी थे, अब ये जो 50 विद्यार्थी हो गए इनकी उम्र का योग देखेंगे, गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 × 2 = 10, 5 × 25 और 25 × 1 = 26, 5 × 5 = 7, कितना आएगा, 760। 760 आया इन 50 विद्यार्थियों का योग, इन 50 विद्यार्थियों की उम्रों का योग आया है 760, और 40 विद्यार्थियों के उम्रों का योग था 600। तो जो 10 विद्यार्थी नए आए हैं उनके उम्रों का योग क्या होगा, इस 760 यहाँ पर देखिए 10 विद्यार्थी बढ़े हैं, तो 10 विद्यार्थी और उम्र कितनी बढ़ी है, 600 से 760 हो गए, यानी 160 बढ़ गए हैं। और इनकी 10 विद्यार्थियों की औसत आयु निकालनी है, तो योग है 160 बटे विद्यार्थियों की संख्या कर देंगे, तो देखिए औसत निकल कर आ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगी इनकी औसत आयु, यही 16 वर्ष आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तो आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, सीरियल से देखिए क्वेश्चन को समझते रहिए। और अगर आप अभी पहली वीडियो यही देख रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे दोस्त पहली क्लास से शुरू कीजिए, एवरेज की पहली क्लास देखिए, फिर दूसरी क्लास देखिए, तब तीसरी क्लास में ही। पहली क्लास से मैंने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया है, तो उसे जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब उसके सारे परिवार की औसत आयु कितनी है, हमें यह बताना है। अब देखिए, जैसे किसी की शादी हुई है, अभी दो लोग हैं, पति है और पत्नी है, इनकी जो औसत आयु है वो कितनी है, 23 वर्ष है। मतलब इन दोनों की आयु का जो योग होगा, जो इनकी उम्रों का ऐड होगा, वो कितना होगा, पति और पत्नी है, दो लोग हैं, औसत दिया गया है 23, तो योग कितना होगा, 46, तो उसे गुणा कर देंगे क्योंकि दो लोग हैं, 23 × 2 = 46 हो जाएगा। और बोला जा रहा है कि 5 वर्ष के बाद उनके पास एक बच्चा भी है। अब देखिए, ये लोग अभी शादी के टाइम पे 46 साल है इन दोनों की उम्रों का योग। अब 5 साल के बाद क्या होगा, जो पति रहेगा वो भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, और जो पत्नी रहेगी वो भी 5 साल बड़ी हो जाएगी, मतलब दोनों 5-5 साल और बड़े हो जाएंगे। तो जब इनका योग निकालेंगे तो योग कितना ज्यादा आएगा, 10 साल ज्यादा आएगा, मतलब 46 था तो अब कितने हो गए, 5 साल के बाद कितने हो गए हैं, 56 साल के हो गए, मतलब दोनों का योग कितना हो गया, 56 साल हो गए, 56 वर्ष हो गए।
अब लेकिन उनके पास एक वर्ष का एक बच्चा भी है, इस जब 5 साल बाद में इनके पास 1 साल का एक बच्चा भी है, तो अब इन तीनों की उम्रों का टोटल योग कितना होगा? देखिए 57 साल, 57 वर्ष हो जाएगा। लेकिन अब लोग कितने हैं? 3, तो इनकी औसत उम्र निकालने के लिए इसको 3 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 9 27, तो कितना आ जाएगा? 19 वर्ष इनकी औसत उम्र निकल कर आ जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा लगा? चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। जब मैं आपको कुछ सिखाता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस आप अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए, मैं आपको ऐसे ही सिखाता रहूंगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन ये देख लेते हैं कि किसी बल्लेबाज ने, देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन फेमस है पारी वाले क्वेश्चन के नाम से। इनमें देखिए 12वीं पारी या कोई भी 22वीं पारी, 11वीं पारी, ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बहुत फेमस हैं इस चैप्टर में, और बच्चों को इनमें प्रॉब्लम भी बहुत होती है, परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, और फिर आज एक ही क्वेश्चन हो पाया है, फिर मैं कल कोशिश करूंगा इस तरह के और एक दो क्वेश्चन को रखूं अलग अलग वैरायटी के। तो चलिए आज मैं इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। जितने रन अभी तक उसने बनाए थे टोटल के औसत में 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? अब देखिए 12वीं पारी जो थी उसमें इसने बनाए 63 रन, इस 12वीं पारी में इसने 63 रन बनाए, तो क्या हुआ? ये जो 1, 2, 3 से लेकर के 11 पारी हैं, इन पारियों का टोटल जो एवरेज था, एवरेज रन थे, उनमें क्या हुआ? 2 रन बढ़ गए। उस एवरेज रन में जितने इन सबके थे 2 रन बढ़ गए। अब एवरेज में 2 बढ़ने का मतलब क्या है? एवरेज में 2 बढ़ने का मतलब है कि इसमें जितने रन एक ने बनाए होंगे पहली पारी में उसमें 2 बढ़ गए, जितने दूसरी पारी में बढ़ाए होंगे उसमें भी 2 बढ़ गए, जितने तीसरी में बनाए होंगे उसमें भी 2 बढ़ गए, और ऐसे ही बढ़ते हुए 11वीं पारी में भी 2 बढ़ गए। जब 2-2 सब में बढ़ रहे हैं तो 11वीं पारी तक टोटल रन कितने बढ़े होंगे? तो कितने बढ़े होंगे? सब में 2-2 बढ़ रहे हैं, 11 × 2 = 22, मतलब 22 रन जो हैं वो इनके पिछली पारियों के हिसाब से बढ़ चुके हैं। अब इनका जो पिछला औसत था वो जितना था उससे 22 रन और ज्यादा ऐड हो गए। तो यहाँ पर देखते 23 में हम लोग क्या करेंगे, 22 को माइनस किए, कितना आ गया? 41 रन आ गया है, मतलब इन सब में अब 2-2 बढ़ करके ये भी 41 के बराबर हो जा रहे हैं, ये सारे 2-2 बढ़ जाएंगे और इनका औसत जो होगा, एवरेज जो होगा वो 41 के बराबर हो जाएगा। अब तो अब पूछ क्या रहा है कि 12वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या है, तो 12वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना है? 41 रन, ठीक। और देखिए इसी तरह में जब क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि 12वीं पारी के पहले, पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, बस यहाँ पर थ्योरी में थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा कि 12वीं पारी के पहले एवरेज क्या था, इनके औसत रन क्या थे, तब आप क्या करते? अब 12वीं पारी में 2 बढ़ गया है तो कितना हो गया है? 41 हो गया है। अब इन सब में पहले 2-2 ये नहीं बढ़े हुए थे, तो पहले एवरेज कितना था? इससे 2 रन कम था, इससे 2 रन कम था, कितना था? 39 रन था, तब आप ये कह देते, ठीक। तो कुल मिला के क्वेश्चन इस तरह अपनी थ्योरी चेंज करता है, जिससे लड़कों को कंफ्यूजन हो जाता है, जिससे आप सभी को कंफ्यूजन हो जाता था, लेकिन अब आशा है आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ऐसे क्वेश्चंस में। तो दोस्तों इस तरह के मैं आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा अगली क्लास में भी, इस तरह के कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में भी रहेंगे और कुछ दूसरे टाइप के भी रहेंगे, तो आप उन क्वेश्चन को सीखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारी क्लासेस डेली ले रहे हैं फिर भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगता है, और अपने सुझाव या कोई भी बात हो वो हमें कमेंट में बता सकते हैं, जब आप कमेंट करते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही हमारी वीडियो को शेयर करिए दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि ये सारी क्लासेस फ्री होने वाली हैं, तो किसी का भला हो जाए मेरी वजह से, आपकी वजह से, इसमें हमको भी खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों,
फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।